नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आज 2 अक्टूबर है और आज हम महात्मा गांधी, बापू गांधी, राष्ट्रपिता गांधी जी को याद कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी के साथ इतने शब्द कैसे जुड़े? स्वाभाविक है आप कहेंगे उनका व्यक्तित्व तो काफी विशाल था, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये शब्द प्रारंभ हुए होंगे, किसी ने इसका पहला प्रयोग किया होगा। तो आइए इसी के माध्यम से हम गांधी जी पर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो गांधी है ना, जो कि उनके सरनेम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका कोई नाम है और आप उसके साथ कोई सरनेम लगाते हैं जो कि आपके परिवार से मिला हुआ है, तो ऐसे ही गांधी शब्द उनको मिला हुआ था। लेकिन गांधी के साथ जो जी शब्द जुड़ता है उसका अधिकांश जो प्रयोग किया गया है वह उनके राजनीतिक विरोधियों के द्वारा किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो जिन्ना का नाम आता है, सावरकर का नाम आता है और भीमराव अंबेडकर साहब का नाम आता है। ये लोग जब भी अपना पत्र लिखा करते थे तो गांधी जी शब्द का प्रयोग करते थे या मिस्टर गांधी कहते थे। तो यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि गांधी शब्द के साथ जी कैसे जुड़ा। तो आपको पता है कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में बड़े लोगों को बापू संबोधित किया जाता है एज ए सम्मान के तौर पर। तो गांधी जी से जो छोटे लोग थे वह उनको बापू कहा करते थे और बाकी जो लोग थे करीबी वो भी उनको बापू कहने लगे। लेकिन इसमें 2 बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने जब भी गांधी जी को पत्र लिखा तो उसमें डियर बापू शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से बापू शब्द प्रचलित हो गया। तीसरा जो शब्द है वह है महात्मा। तो महात्मा हम किसको कहते हैं? जो फकीर की तरह रहता हो, जो इस भौतिकवादी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखता हो, उसका जो झुकाव हो वो सत्य की ओर हो। इसी तरह का एक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किया था। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसकी सफलता, उसकी पूरी प्रक्रिया को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया। और फिर जैसे जैसे गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करते चले गए तो लोगों को लगा कि यह हमारे बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये तो महात्मा के रूप में हमारे बीच एक हमको जगाने वाले व्यक्ति आए हैं। तो यहां से महात्मा शब्द जुड़ा। अब प्रश्न आएगा कि फकीर शब्द कैसे इनके साथ जोड़ दिया जाता है? तो फकीर कौन होता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिस जो बहुत कंगाल टाइप का है, तो उसके पीछे वस्त्र होते हैं। अर्थात अगर आपने वस्त्र ऐसे पहने हैं और आपका आचरण भी उसी अनुसार है तो आपको कोई फकीर कह सकता है। तो हुआ क्या था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, 1921 की बात है। गांधी जी गए हुए थे दक्षिण भारत, तमिलनाडु, मदुरई। वहां पर उन्होंने ट्रेन में बहुत से लोगों को यात्रा करते हुए देखा जिन्होंने विदेशी वस्त्र पहन रखे थे। अब विदेशी वस्त्र क्यों पहन रखे हैं ये उनसे जब गांधी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खादी खरीद सके, क्योंकि खादी के वस्त्र महंगे हुआ करते थे। तो अब गांधी जी ने यहां पर एक मैसेज देने के लिए कि हमारे लिए खादी क्यों महत्वपूर्ण है और आपको क्यों अपनाना चाहिए, उन्होंने ये तिथि रही होगी 22 सितंबर 1921, उन्होंने कहा कि आज से वह इतना ही वस्त्र धारित करेंगे जिससे शरीर के कुछ अंगों को वह ढक सके। तो वहीं से वह लंगोट पहनने लगे, छोटे कपड़े पहनने लगे, उन्होंने अपने सभी वस्त्र त्याग दिए। और आप देखेंगे तो वहीं से गांधी जी एक फकीर के रूप में जाने जाने लगे। अब एक लास्ट शब्द आता है राष्ट्रपिता। तो इसकी जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपिता का मतलब कि जो पूरे राष्ट्र को चलाए। तो आपको पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन से पूरा जो देश है वह अंग्रेजों को अब डंडा लेकर उनके पीछे पड़ चुका है कि हम आपको बाहर करेंगे। इसी बीच में आप देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि जापान चले जाते हैं, आजाद हिंद फौज गठित की जाती है और आजाद हिंद फौज जो है कि जापान के सहयोग से अब अंग्रेजों को खदेड़ना भी चालू कर चुकी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार और जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, म्यांमार वाला क्षेत्र है, वहां पर आजाद हिंद फौज पहुंच जाती है। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, एक संबोधन देते हैं और वह आजाद हिंद फौज क्यों कार्य कर रही है, क्या उसके उद्देश्य हैं और भारत के लोगों को आजाद हिंद फौज के उद्देश्य और अब हम किस तरह से आजाद हो सकते हैं उसके विषय में अपना वो विचार दे रहे थे।
इसी विचार के क्रम में उन्होंने महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता, आज हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी का भी व्यक्तित्व कितना विशाल था। जो उन्होंने राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था, दरअसल वो आम जनमानस के बीच में भर गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, अंग्रेजों से संघर्ष और बहुत सी चीजें एक साथ जुड़ गई। तो इस तरह से राष्ट्रपिता शब्द का भी प्रयोग होने लगा। अब प्रश्न आएगा कि क्या हमारे संविधान के किसी हिस्से में, किसी कानून में राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है नहीं। जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 कहता है कि कोई हम उपाधि शिक्षा और सेना के अलावा नहीं दे सकते। तो इसी के वजह से गांधी जी के साथ जो शब्द राष्ट्रपिता का हम प्रयोग करते हैं, और या जितने भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो हम सम्मान के रूप में करते हैं, उसका कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं है। हालांकि इस प्रकार की अपील कई बार जो है कि गृह मंत्रालय से की गई कि वह कोई इस प्रकार का आदेश जारी करे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। तो हम अपने, चूंकि वह हमारे एक राष्ट्रनायक हैं, है ना, वह हमारी एक ऐसी विभूति हैं जिनको देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आप, अब हम इस सीरीज में कई ऐसी चीजें गांधी जी के विषय में आपके सामने रखेंगे जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि जब आप गांधी जी को जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारा जो भारत है, वह भारत किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का सपना गांधी जी ने देखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।